बेगूसराय के सुप्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम और राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से हेलीकॉप्टर से बरौनी एनटीपीसी पहुंचे, जिसके बाद सड़क मार्ग से सिमरिया गंगा घाट पहुंच सबसे पहले खालसा में साधु संतों और कल्पवासी श्रद्धालुओं से मुलाकात कर जानकारी ली। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेगूसराय के सिमरिया में गंगा घाट का विकास हर की पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा। इसको जो बनवाना चाहिए और पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था भाई। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं, तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला। ये जो दोनों देख रहे हैं इसके बीच जो दोनों तरफ बन रहा है, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे, ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए, तो सब तरह से सुविधा ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर तो सब कुछ देख लीजिएगा, अगर आप लोग एक एक चीज का पूरा डिजाइन बना पता चलेगा, पूरा डिजाइन वही बना हुआ था। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जा करके जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए, इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए। और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए, कहीं रुक सकते हैं, वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा, तो ये सब कुछ करवाया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से लोग तो आते ही हैं बड़ी संख्या में, और तब तो अगर बन जाएगा तो लोगों को इतनी सुविधा होगी कि और ज़्यादा लोग आने लगेंगे। बाढ़ के समय में थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाता है, बाढ़ के समय पानी ऊपर चढ़, इसलिए तो उसको सब चीज़ को सतर्क कर दी जाएगी, इसको ध्यान में रख करके ही हो रहा है कि बाढ़ के समय पानी ऊपर आता है, तो इसी तरह से सब चीज़ बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा ना तो ये ऐसे है नीचे की और ऊपर जा करके सब कुछ कराएंगे, तो उसी हिसाब से सब कुछ होगा कि खूब ज़्यादा पानी है, उस बीच में भी कोई अगर स्नान करना चाहे तो कर सकते। मुक्ति धाम के लिए सर उधर जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, उधर इसकी व्यवस्था ठीक नहीं? वही भी तो कह रहे हैं, साइड में भी तो हम बोल दिए अंतिम संस्कार का, वहाँ भी सबका इंतजाम करने का कितना डिटेल सब बता देंगे, दो हजार 2023 में सर अर्धकुंभ यहाँ लग रहा है, तो उसको उससे पहले सर ये तैयार हो जाएगा? ये चाह रहे हैं कि जब तैयार हो जाए अधिक से अधिक जितना भी, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। आए हैं कहे ये लोग तो सब देख रहे हैं, मंत्री जी के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, अन्य लोग, सारे लोकल यहाँ के डीएम से लेके इसमें सब लोग देख रहे हैं, तो सब लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तो आज आए ही हैं खासतौर से कि चल के जरा देखें अगले साल में। सीएम ने कहा कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सिमरिया का विकास किया जाएगा। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।